देश के सिनेमाघरों में 60 के दशक के दिन लौट आए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तब फिल्म खत्म होने पर राष्ट्रगान बजता था, लेकिन अब फिल्म शुरू होने से राष्ट्रगान सुनाया जाएगा। एक जनहित याचिका पर फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश भर के सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान जरूर बजेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये भी कहा है कि राष्ट्रगान के सम्मान में सिनेमा हॉल में मौजूद सभी लोगों को खड़ा होना जरूरी है। मैं स्वागत करता हूं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की। हमारे बचपन में भी राष्ट्रगान दिखाया जाता था फिल्म के खात्मे पर, लेकिन तब निरादर होता था क्योंकि फिल्म खत्म होने के बाद सारे दर्शक जो हैं वो बाहर निकलना चाहते थे, तो इसे बीच में कई साल तक बंद कर दिया गया था। ये दोबारा शुरू हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत ही अच्छा डिसीजन है ये, मेरे ख्याल से जिस लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो नेशनल एंथम है वो प्ले करना चाहिए। आई थिंक ये आज जो डिसीजन है ये हर हिंदुस्तानी हर देशवासी के लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत अच्छा डिसीजन है। 2003 में महाराष्ट्र सरकार ने नियम बनाकर हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले और इस दौरान लोगों के खड़े रहने को जरूरी बनाया था। कुछ ऐसे मामले भी सामने आ चुके हैं जिनमें किसी वजह से राष्ट्रगान के दौरान कुछ लोगों के खड़े नहीं होने को लेकर बवाल मचा। महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रगान के अपमान का हवाला देकर सिनेमा हॉलों में इसके बजने पर रोक लगा दी। अब सवाल है कि सर्वोच्च अदालत के नए आदेश का दुरुपयोग तो नहीं शुरू हो सकता? कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो बिल्कुल इसे अनिवार्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट के अगेंस्ट कौन बोल सकता है। परंतु फिल्म वगैरह में लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका अपमान होता है, कोई बैठा रहता है, कोई किसी कौन से मूड में रहता है, तो अब इन चीजों का ख्याल करना पड़ेगा लोगों के। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हफ्ते भर में लागू करना है। जाहिर है सरकार के लिए सिनेमा हॉल मालिकों को जरूरी गाइडलाइंस जारी करने के साथ इंतजाम की तेज कवायद की दरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।